हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। आखिरकार स्पेशली आज क्या क्या बिग बॉस में होने के लिए आपको देखने के लिए मिला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एजाज ही घर के नए कैप्टन बनने वाले हैं, तो फाइनली वो घर के कैप्टन बन चुके हैं। घर में काफी सारे बवाल हुए हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भैया अभिनव को कैप्टन बनना था, क्योंकि अभिनव ने इस चीज पे बहुत ज्यादा बवाल भी किया कि मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया। पर रेजोन ने जब ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि भैया अब वो कैसे भी एजाज को ही बनाएंगे, तो एजाज को ही बनाते। और रेजोन वाले लोग के साथ अगर आपकी बनती नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो वो आपको बनाएंगे। और जबकि जब पूरा का पूरा, जो मैं कह सकती हूँ पूरी की पूरी जो पावर है, वो पूरी की पूरी रेजोन वाले लोग के हाथ में है, तो आप कब तक बैग लेके टिके रहोगे। बहुत सारे बवाल ही हुए हैं इस पे, बहुत सारे नए मुद्दे उठाए गए हैं एक तरह से रूबीना की तरफ से, क्योंकि रूबीना का ये मानना है कि अगर रेड जोन वाले बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहे हैं बाहर ऑडियंस को, तो उनके लिए रूल्स चेंज हो जाते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज़ ये करने के लिए नहीं आए कि कौन सही खेल रहा है कौन गलत खेल रहा है, जो टीआरपी दे रहा है उसके सपोर्ट में बिग बॉस चले जाते हैं। तो इस बात पे अभिनव ये बात कहते हैं कि भैया जब ऐसा ही है तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना पराठे सेकने आया हूँ। वेल, ये सारी चीज़ें, अब इस चीज़ पे वीकेंड का वॉर जरूर ही होने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है तो सवाल तो ज़रूर उठेंगे। जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, वही एजाज के कैप्टन बनने के बाद कहीं ना कहीं अब कविता को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि जिस दोस्ती का दावा वो कर रही थी, जिन चीज़ों का दावा वो कर रही थी एजाज के साथ, उन सारे दावों से उन्होंने इनकार कर दिया। बस एजाज ने उनको इतना कहा कि आपने माइक नहीं पहना, आप माइक पहन लीजिए। उस बात पे वो इतना ज़्यादा भड़क जाती है कि उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, घर में आते ही उनको रेड जोन से निकाला, उनके सपोर्ट में खड़ी रही है, वो सारी चीज़ें वो गिना देती हैं। और उसके बाद ये भी कहती हैं कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपसे बात नहीं करती थी, ये सारी चीज़ें। एजाज को उस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब फील होता, मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो इतने बड़े मंच पे आके ये सारी चीज़ें कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर हाँ, सब टीआरपी का गेन है, अगर आप बोल भी रहे हो तो क्या ही गलत है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें स्पेशली घर के अंदर देखने के लिए मिली थी, वही जहाँ पे जैस्मिन बसीन को अब भी ऐसा लग रहा है कि भैया राहुल उनके सपने में आके अब डराना उनको शुरू कर चुके हैं। मतलब बस करो यार, अब एक टॉपिक को कितना घसीटा जाएगा और कब तक घसीटा जाएगा। चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी है वो ख़त्म हो चुकी है। वहीं पे जहाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं, वही घर के सीन वापस पलट चुका है, क्योंकि घर के अंदर अब हर चीज़ पूरी तरह पलटी हुई नजर आएगी। क्योंकि ग्रीन जोन वाले रेड जोन में जा सकते हैं और रेड जोन वाले ग्रीन जोन में आ जा सकते हैं। रेड जोन वाले लोगों को ये पूरा मौका मिला है कि वो अपने अपोजिट एक कंटेस्टेंट को बैठा कर अपने दोनों अपने अपने पक्ष को रखेंगे कि भैया मैं क्यों रेड जोन में नहीं जाना चाहता या मैं ग्रीन जोन में रहना क्यों डिजर्व करता हूँ। और एजाज को जो बेटर लगेगा उसको वो ग्रीन जोन में शिफ्ट करेंगे और उसको रेड जोन में। तो फाइनली यही सारी चीज़ें हैं जो स्पेशली आज के बिग बॉस में हमें देखने के लिए मिली थी, जहाँ पे एजाज के कैप्टन बनने के बाद पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया, जो वैसे भी था। पर उनकी जो बेस्ट फ्रेंड का दावा करने वाली कविता कौशिक अब ये बात कह रही कि वो उनको जानती तक नहीं है। उसी के साथ जहाँ पे अभिनव और एक तरह से रूबीना को ये सवाल अब भी खाया जा रहा है कि आखिरकार उन्हें क्यों नहीं बनाया गया, इस चीज़ पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ में जिस तरह के सपने अब रूबीना, अब एक तरह से जैस्मिन को आ रहे हैं, उस सपने का हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसा कंटेस्टेंट है जो ग्रीन से रेड में जाएगा और रेड ग्रीन में जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर वेल, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।